नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। दोस्तों फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और बहुत सारी माफ़ी चाहूंगा कि बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर के आया हूं। मैं अपने चैनल से बहुत दिन से दूर था, मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों और कुछ अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्त था इसलिए मैं कोई वीडियो ला नहीं पा रहा था। और इतने में बहुत नए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें और सपोर्ट कीजिए। अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट और अच्छा सपोर्ट मिलता रहा तो दोस्तों आगे अच्छी से अच्छी और जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बोल्ट का ऑडियो का प्रो बास। और इसके बारे में हम आज अनबॉक्सिंग और इसके बारे में स्पेसिफिकेशन जानेंगे। और जो कि मुझे मैं करीब 1 मंथ से यूज़ कर भी रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैं इसलिए आप ओरिजिनल रिव्यू देना चाहूँगा इसके बारे को लेकर के। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे इसको लेकर के वीडियोस देखी, सब कुछ देखा था मैंने खुद भी खरीदने से पहले। मुझे इस रेंज में बेस्ट लगे थे और मैंने फिर खरीदा और यूज़ किया और सचमुच मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसका ओरिजिनल बेस मुझे बहुत अच्छा लगा और साउंड क्वालिटी, जब इसके 90 के वॉल्यूम तक साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी दोस्तों, और काफ़ी क्लियर आपको ट्रिबलिंग और बहुत अच्छा बास इसका आपको सुनाई देगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बताते हैं इसके बारे में। ये है बोल्ट का ऑडियो प्रो बास का दोस्तों, अब इसके बारे में हम अनबॉक्सिंग करना शुरू करेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको ये अमेज़ोन पे 1500 से लेकर के 1000 रुपये तक में अवेलेबल है ये, और किसी फेस्टिवल सीज़न या किसी ऑफर्स में ये आपको 800-900 तक का मिल जाएगा। मैंने इसको फेस्टिवल में ख़रीदा था 900 करीब का, 900 के आसपास का, और 8 ट्रिपल 9 का ख़रीदा था मैंने ये। और वही इसी यही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है इसका इसका रेट दोस्तों। और ये वैसे इसका MRP जो शो करता है 4499 रुपये शो करता है, बाकी ये 1500 से लेकर के आपको 1000 रुपये तक में मिल जाएगा आराम से। 1000 रुपये, 700-800 रुपये तक में बहुत आराम से मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं इस बॉक्स को। इस दो बोल्ट का लोगो सबसे पहले अनप्लग योर सेल्फ, जो कि नॉर्मली जो ब्लूटूथ डिवाइस जो भी होता है बोल्ट का, उसमें सब में दिया जाता है अनप्लग योर और डिवाइस। फिर उसके बाद ये दोस्तों ये बोल्ट बॉक्स के पीछे कुछ डी बास एंड 3D एसोटिक वारंटी, 1 ईयर वारंटी, बिल्ट माइक, एक्स्ट्रा बास, बिल्ट इन माइक्रो वूफर। दोस्तों माइक्रो वूफर का मुझे वूफर इसके अच्छे लगे, एक्स्ट्रा बास अच्छे लगे एंड माइक भी इसका काफ़ी अच्छा था दोस्तों। बाकी मुझे ओवरऑल ये बॉक्स है इसका दोस्तों, जो कि आप देख चुके हैं। अब चलो इसको, और इसमें स्टीरियो साउंड स्वेट प्रूफ एंड सिक्योर फिट। हाँ दोस्तों, इसमें स्वेट प्रूफ में बोलूँगा कि आप ये बोल्ट का नेक बैंड है जो कि हल्का, इसमें आप गले में लगा करके एक्सरसाइज करना, कुछ हल्का फुल्का स्वेट या फिर पसीना या कुछ हल्का फुल्का पानी भी लगे तो उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं उसमें भी। चलिए दोस्तों अब इसको अनबॉक्सिंग किया जाए। ये बॉक्स से इसको निकाल दिया गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग। और इसके पीछे कुछ ये डाटा केबल और इसके बीच में है इसके एक्स्ट्रा प्लग्स मिलते हैं, जो इसके बीच वाले हैं वो इसमें लगे हुए मिलते हैं, और जो छोटे बड़े हैं वो इनमें लगे हुए मिलते हैं, छोटे में पैक मिलते हैं, तो जो बीच वाला इसका होता है वो लगा हुआ मिलता है दोस्तों। बाकी दोस्तों आप इसको निकाल के देखते हैं। मैंने पहले ही बताया दोस्तों, मैं अपने लिए फ्रेश और जैसी वीडियो होती है वैसे ही मैं ओरिजिनल वीडियो लाता हूँ, कोई कट नहीं, ज़्यादा मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो कि मैं अपने दोस्तों को जो दिखाऊँ वो प्रॉपर ओरिजिनल दिखाऊँ, ओरिजिनल बताऊँ, कोई झूठ नहीं और कोई कुछ गलत ना छिपाया जाए।
जैसे कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये वॉल्यूम कंट्रोल बटन है, पावर बटन है और ये माइनस बटन है। बाकी आप इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत लाइट है। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत ही लाइट है। आप इसको कितना कैसे भी मोड़ दे, कैसे भी कर ले, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, मुझे बहुत पसंद आया इस क्वालिटी पर, क्वालिटी वाइज। बाकी लाइट है बहुत, बटन भी इससे काफ़ी अच्छी स्मूथ है। इसको शायद थोड़ी देर तक दबाओ तो गूगल और से यूज़ कर सकते हो आप। बाकी प्लस माइनस बटन से आप गाना नेक्स्ट गाना प्रीवियस कर सकते हो थोड़ी देर दबा करके, और उसी से वो कर सकते हो। प्लस वाले बटन को अगर आप थोड़ी देर होल्ड करके रखते हो दबा करके, तो ट्रैक नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों। माइनस वाले बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखते हो तो ट्रैक प्रीवियस हो जाएगा। वैसे ही पावर बटन है दोस्तों, पावर बटन से आपको थोड़ी देर दबा के रखते हो तो आप गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हो, और थोड़ी देर ज़्यादा दबा के रखते हो तो दोस्तों ये पावर ऑफ हो जाएगा, और हल्का सा जब इसको स्टार्ट करना है तो हल्का लाइटली थोड़ी देर तक दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगा। बाकी इसमें माइक के दोस्तों, स्लाइटली अभी देख सकते हो दोस्तों ये माइक है इसमें, और इसकी ऑडियो क्वालिटी दोस्तों मुझे जेन्युइनली काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। बस इसमें एक चीज़ मुझे एक कमी लगी कि इससे आपको इसको आप कान पे लगा करके अगर बात करना चाहो तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि ये आपके कान तक पहुंच जाता है, और ये इसकी ऑडियो क्वालिटी, इसका जो ये नेक का इसका बैंड जो है वो नीचे गले पर लटकता है, तो इस कारण से कभी काफ़ी बार जो हमें जब धीरे बात करनी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो ऑडियो क्वालिटी क्लियर नहीं हो पाती है, इसके नेक बैंड में सुनाई नहीं देता। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते दोस्तों, बाकी अब इसके बारे में बता रहा मैं। और ये ब्लूटूथ 4.2 के ऊपर काम करता है, जिससे 7 से 8 मीटर तक नॉर्मली ये बीच में कुछ ना आए तो बहुत आराम से इसमें आप ऑडियो क्वालिटी नॉर्मल सुन सकते हैं। और इसके बास दोस्तों, सच में बास मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों इसका। बाकी ये इसका चार्जिंग पोर्ट है इसका दोस्तों, और ये इससे जब इसको आप चार्जिंग में लगाते हो तो इसमें रेड, जब इसमें चार्जिंग लो होता है तो रेड लाइट बटन जलती है, और जब इसमें ये फुल चार्ज हो जाता है तो दोस्तों इसमें यहाँ पे भी ब्लू लाइट आपको नोटिफाई करती है, और जब आप इसमें म्यूज़िक सुनोगे तो दोस्तों इसमें एक ब्लू लाइट टिमटिमाती रहेगी, जलती रहेगी, जलेगी मुझे। बाकी बहुत अच्छा लगे मुझे दोस्तों ये साउंड क्वालिटी के मामले में, और इस रेंज में मुझे ये सबसे अच्छे लगे। हाँ, इसके साथ आप रोबोट क्रोकपोड को कंपेयर जरूर कर सकते हो, मगर उसके बास अच्छा है, वो साउंड क्वालिटी काफ़ी हाई, जब उसको हाई करते हैं तो उसमें वो स्ट्रगल करते हैं, ये उस लेवल पे ये अच्छे माने जाते हैं, अच्छे लगे मेरे को ये। और इसमें जैसे कि कुछ चीज़ें भी बहुत काफ़ी अच्छी लगी, जैसे कि ये वायर एडजस्टिंग सिस्टम है, ये इससे वायर को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कान से नेक पे, मतलब कि ये कान के पास फैले हुए नहीं रहेंगे दोस्तों। अब इसको जब एडजस्ट करोगे, आगे पीछे करोगे, तो ये तार इस हिसाब से तार निकल सके इसमें निकल सकता है, बाकी चाहो तो इसमें ही इस हिसाब से ये एडजस्ट होते हैं वायर दोस्तों इसके, कि आप देख सकते हैं कि ये तार इसमें ही सिंपली एडजस्ट हो जाता है। बाकी अब आगे नॉर्मली ये आपको कंटिन्यू यूज़ करोगे तो 7 से 8 घंटे का आराम से, मैंने देखा है मैंने दोस्तों, ये बैटरी बैकअप दे देगा आपको एक चार्ज पे, जो और ये 2 घंटे लेता है एक बार एक चार्ज पे, और उसके बाद 7 से 8 घंटे तक आराम से नॉर्मल बैकअप दे देगा, और स्टैंड बाई पे 2 दिन 3 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने खुद यूज़ करके देखा है दोस्तों। बाकी इसमें ये सब तो हर एक वीडियो में बताया जाता है, इसका ये मैग्नेटिक लॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और इसका मैग्नेटिक लॉक अच्छा होने के साथ साथ जो ये इस हिसाब से प्लग है कि ये
कान में बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाते हैं और ऑडियो क्वालिटी सुनाई देते, सुनाई देते काफ़ी अच्छी। लेफ्ट राइट का इसमें वो भी साथ में बताया गया हुआ है कि हुआ है। ओवरऑल दोस्तों इस रेंज में मुझे ये ईयरफोन या ब्लूटूथ ऑडियो कर प्रो बास बोलूँ काफ़ी अच्छे लगे। बाकी चलो इसका ऑडियो टेस्ट कर लिया जाए। देखो दोस्तों सुन सकते हैं इसका ऑडियो क्लियरिटी और बेस इसका काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यो 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 यो। चलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए कि देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल है गले में लगे लगाने के बाद भी है। और इसको दोस्तों सबसे अच्छी बात लगी मुझे देखिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं वायर है, ये इस वायर को एडजस्ट मैंने पीछे कर रखी है। आप इसको चाहे तो ये चाहे तो आप इसको भी वायर को यहाँ तक भी खोल सकते हैं या इसको एडजस्ट करके पीछे भी लगा सकते हैं। जैसे कि जैसे मैंने इसको मैंने ये वायर को पीछे एडजस्ट कर रखी है और ये इतने कंफर्टेबली इतना अच्छे से हो जाता है कि दोस्तों ये कभी छेड़खानी करने में भी बाहर नहीं आते हैं। और जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है इस ईयरफोन की और इस ब्लूटूथ ईयरफोन की। इसमें बेस तो काफ़ी दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों। बाकी गेमिंग में थोड़ा सा उतना कम्फर्टेबल नहीं है ये, और बात करने में के लिए भी कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हो तो ठीक है, और अगर आप धीरे बात कर रहे हो जैसा चाहते हो कि इसमें कि आप सोचते हो कि काफ़ी स्लो कभी कभी हम फ़ोन पे काफ़ी अपना वॉइस को काफ़ी लाउड रख के बात नहीं कर सकते, बहुत धीरे धीरे बात करनी होती है, और वो सोच के अगर आप चाहते हो कि काफ़ी धीरे धीरे मुझे बात करनी है इस पर तो वो नहीं हो पाएगा दोस्तों इस पर। चलिए दोस्तों वीडियो लंबे ना खींचते हुए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों हाँ जो दोस्त नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब।